नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट आलोक में। मैं राजकुमार। दोस्तों, सुपर टेट की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, बस कभी भी वैकेंसी आ सकती है, और इसीलिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गया है राजकुमार। और सामान्य विज्ञान से दोस्तों, सुपर टेट की परीक्षा में 10 क्वेश्चन आने हैं, और ये 10 प्रश्न हमारे लिए डिसाइडर होंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा में कोई भी एक भी प्रश्न क्या होता है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहां तो 10 प्रश्नों की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग साइंस बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर इसमें ऐसे वैसे वर्ड आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिसको लोग याद नहीं कर पाते। तो उस विज्ञान में आने वाली ऐसी चीजें जिसको आप याद नहीं कर पाते, उसके लिए बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको याद नहीं होती उसे हम आपको याद करवाएंगे। क्योंकि हमारे पास 100% ट्रिक भी है और 100% कॉन्सेप्ट भी है। जब ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में मिल जाएंगे दोस्तों, तो ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो याद ना हो पाए। तो रवि सर के निर्देशन में शिक्षक भर्ती का बैच प्रारंभ है। आपको यदि इसमें एडमिशन लेना दोस्तों, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए आपको लिखना होगा एंट्री सुपर टेट या एंट्री एस्टेट लिखेंगे आप, या एंट्री सुपर टेट और एंट्री सुपर टेट लिख करके या एंट्री एस्टेट लिख करके आपको 91-25-42, 91-25-42, 39-36 यह नंबर आपके स्क्रीन पर भी स्क्रॉल कर रहा होगा, वहां भी इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस नंबर पे क्या करना है, आप सभी को इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है एंट्री सुपर टेट लिख करके, और उसके बाद इनरोलमेंट की सारी प्रोसेस के बारे में हमारी काउंसलिंग टीम आपको बहुत ही शीघ्र ही सारी जानकारियां प्रस्तुत कर देगी। तो ध्यान रहे, 91-25-42-39-36 इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और शुरुआत में शुरू हो रहे बैचेस के बारे में आपको समस्त जानकारियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपसे कि 14 विषय का बर्डन, ऊपर से समय का अभाव, और कभी भी जीएस करना पड़ पाना, ये सुपर टेट की परीक्षा में एक प्रमुख रुकावट है। जो लोग शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं, जीएस बहुत कम मात्रा में पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए समस्या होती है कि जीएस से कैसे निपटा जाए। कुछ लोग ऐसे होते जो कहते हैं कि हम ट्रिक में बिलीव नहीं करते, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए समय होना चाहिए, तब का कॉन्सेप्ट बनता है। यहां मैं आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों दूंगा। मैंने कहा कुछ चीजें हमको याद नहीं होती दोस्तों, उसे कैसे याद करना है, उसे याद करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं विज्ञान के जो शिक्षक भर्ती में आते हैं, और वो टॉपिक इतने कठिन होते हैं कि हम उसको जल्दी याद नहीं कर पाते। याद कर भी लेते हैं तो बहुत ही शीघ्र वह हमें भूल जाता है। तो हम क्या करें कि टॉपिक हमें ना भूले और वहां से आने वाले प्रश्नों को हम पक्का कर लें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, और उस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से याद कर सकते हो। वहां से आने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल किसी भी हाल में गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, यदि बात की जाए परीक्षा की, तो परीक्षा कभी भी हो सकती है। अगर आप अभी से तैयार रहेंगे, अभी से आप पढ़ते रहेंगे, तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आप बहुत बेहतर रहेंगे। तो सभी लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। शिक्षक भर्ती की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जो 2-2 पंचवर्षीय योजनाओं में भी क्लियर नहीं हो पाती, तो आप समझ सकते हैं कितना क्राइसिस है इस लाइन में। तो इसीलिए आप एक बार पढ़िए,
जम करके पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि वैकेंसी को निकाल लीजिए। भाई अगर हम एक एक मीटर का गड्ढा खोदेंगे 100 जगह पर तो हम पानी नहीं पाएंगे, और यदि हम एक ही स्थान पर 100 मीटर का गड्ढा खोद देंगे तो निश्चित ही वहां से पानी हम पा जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप बार बार कहेंगे आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, दोस्तों ये सब मत सोचिए, पढ़ना है तो आज से शुरू कर दीजिए। और आपको शिक्षक बनाने के लिए हमारी टीम जो कि आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में चल रही है, दोस्तों आपको शिक्षक बनाने के लिए हमारी टीम प्रतिबद्ध है। तो बस आप हमसे जुड़िए, हमें ज्वाइन करिए और दोस्तों सफलता के करीब पहुंच जाइए। देखिए आज का जो टॉपिक मैं लाया हूं आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती यानी कि सुपरटेट के लिए, रोग और उपचार। रोग और उपचार दोस्तों, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, यह ऐसा टॉपिक है जहां से परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें रोग और उपचार की, देखिए तो रोग क्या है, जब मानव शरीर की कार्य क्षमता घट जाए या जब अंग काम करना बंद कर दे तो दोस्तों हम कहते हैं कि उसे रोग हो चुका है। रोग कई प्रकार का होता है, जन्मजात रोग होता है, उपार्जित रोग होता है। अगर हम बात करें दोस्तों रोगों की तो देखिए रोगों के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रोग की, रोग कितने प्रकार का दोस्तों होता है तो ध्यान देना, रोग होता है बेसिकली दो प्रकार का, जिसमें एक होता है जन्मजात रोग यानी ऐसे रोग जो बच्चों में जन्म के पहले ही हो जाते हैं दोस्तों, और एक रोग होता है उपार्जित रोग जो बच्चों में जन्म के बाद होता है, उन्हें हम कहते हैं उपार्जित रोग। यानी ये कब होते हैं, ये जन्म के बाद होते हैं, इनको हम कहते हैं उपार्जित रोग। तो हम कह सकते हैं जन्मजात रोग ऐसे रोग हैं जिनको हम आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं। जैसे क्या होते हैं आनुवंशिक रोग, अगर हम बात करें तो आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से ही क्या होता है बच्चों में पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं बस बच्चों में रोग हो चुका है, ठीक। और दोस्तों यदि हम बात करें उपार्जित रोगों की तो ध्यान देना ये होते हैं दो प्रकार के, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इसका मतलब क्या है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग इसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, और दोस्तों एक होता है असंक्रामक रोग जिसे हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। असंक्रामक रोग इसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिए यदि इसमें बात की जाए तो संक्रामक रोग क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है। देखिए ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, साथ में उठने बैठने से फैलते हैं, संपर्क बनाने से फैलते हैं, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे खसरा हो गया, जैसे चेचक हो गया, टीबी हो गई, तो दोस्तों सब क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ये होते हैं संक्रामक रोग। यदि बात करें असंक्रामक रोगों की तो ऐसे रोग जो छुआछूत से नहीं फैलते, साथ उठने बैठने से नहीं फैलते, उनको हम कहते हैं असंक्रामक रोग। अब ये असंक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते, क्लियर है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हृदय घात आया, अटैक आया, और आप उसकी सेवा कीजिए, है ना, उसकी सेवा कीजिए, तो क्या उसकी सेवा करने पर आपको भी अटैक आएगा, नहीं आएगा ना। या किसी व्यक्ति को मान लीजिए असंक्रामक रोग हो, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो जब उसको व्यक्ति को मिर्गी आती है, अगर आप उस व्यक्ति की सेवा करेंगे, उठाए बैठाएंगे, तो क्या मिर्गी आपको भी आएगी, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, पक्षाघात में क्या होता है, शरीर का एक तरफ का जो अंग है ये कार्य करना बंद कर देता है। सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति को पक्षाघात हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, और आप उसकी सेवा करेंगे, तो क्या आपको भी पक्षाघात हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है,
ठीक। ये असंक्रामक रोग है, छुआछूत से नहीं फैलते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं वो छुआछूत से फैलते हैं। देखिए आज के विशेष टॉपिक की बात की जाए तो दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रोग का कोई टॉपिक और उससे आने वाले प्रश्न या और दोस्तों जो चीजें कैसे कैसे बन सकती हैं ये सारे पॉइंट्स। देखिए जैसे अगर दोस्तों बात की जाए, क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कितने रोग हैं जो जल से फैलते हैं, तो आइए जरा सा इसकी बात कर लें क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है ना। जल से फैलने वाले रोग, जल से फैलने वाले रोग ऐसे पॉइंट बनता है। अगर बात की जाए हैजा की या बात की जाए टाइफाइड की या बात की जाए पीलिया की, अगर बात की जाए पीलिया की या पेचिस की पेचिस को हम अतिसार भी कहते हैं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, या भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग, अगर इन सभी रोगों की बात की जाए तो ये रोग कैसे होते हैं दोस्तों? ये रोग होते हैं दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से। फिर यही क्वेश्चन बनता है कि मच्छर से कौन से रोग होते हैं, है ना, मच्छर से रोग। तो भाई हम जानते हैं दोस्तों मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, और वहीं अगर बात करें हम फाइलेरिया जिसको हम कहते हैं फील पाव, फाइलेरिया कैसे होता है, मादा क्यूलेक्स से होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और वहीं यदि बात किया जाए डेंगू की जिसको हम कहते हैं एलो फीवर या बोन ब्रेक फीवर, ये होता है मादा एडीज एजिप्टाई से। और यदि यही बात करें दोस्तों हम जापानी एंसेफ्लाइटिस, तो जापानी एंसेफ्लाइटिस कैसे होता है, एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर से होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया कैसे होता है, मादा एनाफिलीज से। फाइलेरिया कैसे होता है, मादा क्यूलेक्स से। डेंगू मादा एडीज एजिप्टाई से। और वही दोस्तों क्या होता है, वही होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस जो फीमेल एल्बोपिक्टस से होता है। यानी ये कुछ रोग हैं जो दोस्तों विभिन्न प्रकारों से होते हैं। अगर बात करें हम मक्खियों से, देखिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं मैं आपसे चर्चा वही कर रहा हूं। मक्खी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, तो ध्यान देना आप लोग, मक्खियां दो होती हैं, एक होती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। सीसी मक्खी से क्या होता है, इससे होता है निद्रा रोग। अगर वहीं बात की जाए दोस्तों सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई जिसको हम कहते हैं सिकटा मक्खी, है ना, क्या होती है सिकटा मक्खी। तो एक होती है सैंड फ्लाई या सिकटा मक्खी, तो इस सिकटा मक्खी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ध्यान देना भाई इस सिकटा मक्खी से क्या होता है, काला आजार होता है। ये एक बुखार है दोस्तों, काला आजार, तो ध्यान देना काला आजार क्या होता है, बुखार होता है ना, कैसे होता है, सिकटा मक्खी से होता है। चलिए तो रहे बेसिक पॉइंट। आज देखिए जो हमारा आज का विषय है, आज हमको पढ़ना है विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। ठीक, तो विषाणु से होने वाले रोगों को मैं आज आपको ऐसे तरीके से याद कराऊंगा कि इस तरीके को कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे और किसी को भी आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात की चुनौती है, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं कि उनको ट्रिक पसंद नहीं है वो इस वीडियो से हट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो विषाणु से रोग होते हैं अत्यंत खतरनाक होते हैं। अगर हम बात करें विषाणुओं की, तो विषाणु में कोशिका नहीं होती है, ध्यान देना। अगर बात करें विषाणु की दोस्तों, तो विषाणु में क्या होता है, विषाणु की खोज कौन किया है, खोज किया हुआ है इवान वस्की ने,
ठीक है ना, खोज किया है इवानो वस्की ने, इसके खोजकर्ता है दोस्तों। और ये क्या होता है, अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और ध्यान देना, इसमें कुछ जीवित के लक्षण होते हैं और कुछ मृत के, तो इसको हम कहते हैं जीवित व मृत के बीच की कड़ी, मृत के बीज का, ठीक है ना, जीवित और मृत के बीज का होता है दोस्तों। और ध्यान देना ये कैसे बनते हैं, ये सम एकल आर्यन्ने के बने होते हैं। कैसे बनते हैं, सम एकल आर्यन्ने के बने होते हैं विषाणु, ठीक है ना। ये रही विषाणु की बात, परंतु हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमको जानना है कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। ध्यान देना, विषाणु में कोशिका नहीं होती दोस्तों, इसीलिए कभी इनका विनाश भी नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं कि विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं। पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, छोटी माता, इसके अतिरिक्त रेबीज, ट्रैकोमा, ठीक। तो दोस्तों ये कुछ रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं। तो भाई यदि विषाणुओं से इतने रोग होते हैं तो इन्हें हम कैसे याद करें। मान लीजिए एक पल के लिए इसको हम याद भी कर लेते हैं, अगर एक पल के लिए इसको हम याद भी कर लेते हैं तो बहुत ही शीघ्र क्या होगा, हमको भूल जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको हम याद भी कर लेते हैं तो क्या होता है, यह बहुत ही जल्दी हमको भूल जाता है। हमें इसे किस तरह से याद करें जल्दी हमें ना भूले, याद करने का हम कौन सा तरीका अपनाएं कि यह हमें कभी ना भूले। मान लीजिए हम इसको याद भी कर लिए, लेकिन इतने ही रोग आपको पढ़ने होंगे जीवाणु से होने वाले, है ना। और यदि मान लीजिए आपने इतने विषाणु के, इतने जीवाणु के आपने याद कर लिए, फिर क्या होगा, इतने ही रोग आपको याद करने पड़ेंगे प्रोटोजोआ के, कवक के, इसके अलावा दोस्तों आनुवंशिक रोग याद करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसको याद करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस कठिन कार्य को आसान बनाने के लिए आइए हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उन नवीन तरीकों से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले कहा है जिसको ट्रिक्स पसंद नहीं हो वो हट जाएगा। प्लीज देखिए, अब क्योंकि देखिए मैं इसमें ट्रिक भी दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसको कॉन्सेप्ट देखना दोस्तों ऐसे देख लीजिए और जिसको ट्रिक याद करना है मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग, ट्रिक्स जो है वो बॉलीवुड से रहेगी, हॉलीवुड से रहेगी। देखिए जैसे दोस्तों क्या होता है, बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, क्या बनती है, फिल्में बनती हैं। और जब फिल्में बनती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नायक नायिका होते हैं यानी कि हीरो हीरोइन होते हैं, उनमें क्या होता है, जोड़ियां होती हैं। और जब ये जोड़ियां बहुत प्रतिष्ठित होती हैं और एक साथ काम करती हैं तो फिल्में क्या होती है, सुपर डुपर हिट होती है। जैसे आज जोड़ी बन रही है रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की, गोविंदा की दोस्तों, और गोविंदा की और करिश्मा कपूर की, है ना। या जो है कुछ जोड़ियां भोजपुरी में बनती हैं, ठीक। अब देखिए जैसे आज जोड़ियां बनती हैं और वो जोड़ियां फिल्मों में काम करती हैं तो फिल्में सुपर डुपर हिट होती है, क्योंकि दर्शक जो ऑडियंस है उनको उसको पसंद करते हैं दोस्तों। ऐसे ही बात देख लीजिए आप लोग,
आज से लगभग 40-50 साल पहले भी यही हाल था, जोड़ियां बनती थी। तो अगर मान लीजिए आज किसी हीरो हीरोइन की मूवी जब हिट हो जाती है ना, जब मूवी अच्छी कमाई कर लेती है, सुपर हिट होने के बाद वह हीरो और हीरोइन हाथ में हाथ डालकर दिन भर 24 घंटा साथ में उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब साथ में होता है, यानी कि वो लोग इतने क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के कि एक दूसरे का दुख और दर्द समझते हैं। तो जैसे जोड़ी वर्तमान समय में बनती है, वैसे ही जोड़ियां आज से 40 साल पहले बनती थी। और उस समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है अमिताभ बच्चन और रेखा जी की, ठीक है। देखो दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन को हम महानायक कहते हैं और रेखा जी की जोड़ी उनसे बहुत ही हिट बैठती थी, जितनी मूवी करते थे दोनों लोग मूवी सुपर डुपर हिट होती थी। तो दोस्तों रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी में काफी जो है दोनों करीब थे, यहां तक कि सुनने में आया था शादी करने वाले थे। तो दोस्तों कह सकते हैं कि दोनों में बहुत ही क्लोजनेस थी, यानी समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यानी दोनों में दोस्तों एक दूसरे का दुख दर्द समझने की जो है वो एहसास था, यानी कि साफ शब्दों में दोनों में प्यार हो गया था, ठीक है ना, रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी में, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बार फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी दोनों गए थे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो पिकनिक हब है और वहां फिल्मों की शूटिंग होती है। तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों क्या हुआ होता है, वहां पूरे साल बर्फबारी होती, बर्फ गिरती है ऊपर से, इसीलिए वह जो है अच्छा होता है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड गए थे शूटिंग के सिलसिले में अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी। अब अमिताभ बच्चन साहब बाहर शूटिंग कर रहे हैं खुले में और रेखा जी आराम से कुर्सी पर छतरी के नीचे बैठी हुई है और रेखा बहुत ही ध्यान से अमिताभ बच्चन को देख रही है, जैसे कोई देखता है अपने चाहने वाले को। तो बर्फबारी, अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं, वहां बर्फ गिर रही है। अमिताभ बच्चन ने दोस्तों कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, क्या हुआ उन्होंने जैकेट पहने हुए हैं या पैंट पहनी हुई है, शूज पहना हुआ है, लेकिन कान उनका खुला हुआ है। देखिए बर्फबारी हो रही है, अमिताभ बच्चन जी का कान खुला है और रेखा जी देख रही हैं लगातार अमिताभ बच्चन को। अमिताभ जी का कान खुला हुआ है, उनको ठंड लग रही है बर्फ गिरने से और अमिताभ बच्चन कांप रहे हैं और रेखा को देखा नहीं जा रहा है। सोचिए यदि आपका कोई अपना चाहने वाला हो, अगर वो तकलीफ में होगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं, आपको दिल की गहराइयों से कष्ट होगा। अरे भाई, जब मम्मी पापा भाई कोई तकलीफ में होगा तो कष्ट नहीं होगा, बहुत कष्ट होगा। बात को सीधे वे में लीजिए, गलत वे में मत लीजिए। देखिए तो दोस्तों अमिताभ बच्चन जी कांप रहे हैं और रेखा उनको बड़े ध्यान से देख रही हैं, रेखा को देखा नहीं जा रहा है। जैसे शूटिंग खत्म होती है, शाम का टाइम होता है, रेखा जी अमिताभ बच्चन को लेकर जाती हैं एक शॉपिंग मॉल में, ठीक, कहां पर, शॉपिंग मॉल में, और क्या करने के लिए, टोपी दिलाने के लिए, ठीक दोस्तों, क्या करने के लिए, टोपी दिलाने के लिए। क्योंकि कान खुला हुआ था तो कान में ठंड लग रही थी, तो टोपी कहां लगाते, कान में। अब देखिए ये उस समय की बात है जब टोपी आज की तरह फैशनेबल नहीं आती, बल्कि वो लंबी टोपी कंटोप बंदर छाप आती थी। तो रेखा जी बड़े ही प्यार से अमिताभ बच्चन को लिवा गई शॉपिंग मॉल में और बहुत ही महंगा और लगभग 6 इंच का लंबा टोपी, बहुत ही महंगा और 6 इंच का लंबा टोपी किसके लिए, अमिताभ बच्चन के लिए पसंद किया। अब देखिए रेखा सुबह से शाम तक इंतजार करी, उसके बाद लिवा गई और बहुत ही महंगा और टोपी पसंद किया अमिताभ बच्चन के लिए। क्या हो कि अगर अमिताभ बच्चन तुरंत मना कर दें कि टोपी मुझे पसंद नहीं है। सोचिए अभी हाल ही में वैलेंटाइन डे खत्म हुआ है या कोई बर्थडे रहे आपका या कोई जन्म कोई भी अच्छा मौका हो और अगर आपके चाहने वाले आपको कुछ गिफ्ट करें और आप कह दें कि मुझे पसंद नहीं है, तो बताइए सामने वाले पर क्या बीतेगी, सामने वाला तुरंत गुस्सा हो जाएगा और छोड़ के आपको भाग जाएगा। तो देखिए रेखा ने 6 इंच का लो
6 इंच लंबा और बहुत महंगा टोपी पसंद किया अमिताभ बच्चन के लिए। तो अमिताभ बच्चन ने क्या बोला? अमिताभ बच्चन ने बोला रेखा, जैसे बोलते हैं रेखा, बोला रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है। क्या बोला? रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है। अमिताभ बच्चन ने क्या बोला दोस्तों? अमिताभ बच्चन ने बोला रेखा, क्या बोला? रेखा 6 इंच का, क्या बोला? 6 इंच का टोपी महंगा है। ठीक, तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है। और जैसे ही इतना बोला अमिताभ बच्चन ने, भाई रेखा सुबह से शाम तक इंतजार करके निभा गई, तो तुरंत रेखा गुस्सा हो गई, तुरंत रेखा को गुस्सा आ गया। रेखा ने गुस्से में पैर पटक के बोला, जैसे मान लीजिए अभी आज आपकी बात हो और आप किसी को गिफ्ट दे और कोई मना कर दे नहीं लेंगे तो गुस्सा नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखिए, जैसे ही अमिताभ ने कहा रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, तुरंत रेखा गुस्सा हो गई और रेखा ने अमिताभ बच्चन से क्या बोला? जा, बोला कि जा। कहां जा? उस समय अमिताभ बच्चन जी एक ऐड करते थे पोलियो का, दो बूंद जिंदगी की। रेखा ने कहा जा, तू इसी लायक है, जा ऐड कर। क्या कर? जा ऐड कर। कौन सा ऐड? दो बूंद, दो बूंद जिंदगी की। इसको आखिरी तक आप देखिए दोस्तों, आखिर तक देखेंगे तो बताऊंगा आप लोगों को कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा यहां से। तो दोस्तों, रेखा ने, अमिताभ ने क्या बोला? रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है। तुरंत रेखा गुस्सा हो गई। रेखा ने क्या बोला? जा आगे यहां से, जा ऐड कर दो बूंद जिंदगी की, है ना। देखिए अब इसको डिकोड करते हैं। रे से क्या होगा? रेबीज। तो दोस्तों, रे से क्या हुआ? रेबीज। और खा से क्या हुआ? खा से हुआ खसरा, खा से हुआ खसरा। छ से क्या हो गया? छ से हो गया छोटी माता, इसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। और इन से क्या हो गया? इन से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हो गया इन्फ्लुएंजी मिक्स वायरस से, H1N1, H5N1 सब क्या है? सब इन्फ्लुएंजा ही होते हैं दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। और च से क्या हो गया? चास हो गया चेचक, यानी कि दोस्तों स्मॉल पॉक्स। च से चेचक, स्मॉल पॉक्स। अब देखिए आगे का यहां पर साइलेंट हो गया है, आगे देखते दोस्तों का साइलेंट है। टो से क्या होता है दोस्तों? टो से होता है ट्रैकोमा। हालांकि ट्रैकोमा जीवाणु से भी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रैकोमा जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है। और पी से क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा पीलिया। पी से क्या होगा? पीस हो जाएगा पीलिया। फिर दिया गया म, तो दोस्तों म से होता है मेनिनजाइटिस। हालांकि मेनिनजाइटिस भी जीवाणु से होता है, जीवाणु से भी होता है और विषाणु से भी होता है। तो मेनिनजाइटिस, और ध्यान देना दोस्तों, जो मेनिनजाइटिस जीवाणु से होता है वो काफी घातक होता है, काफी हानिकारक होता है। तो म ह गा है। हा से क्या होता है? हर्पीज। हर्पीज एक यौन संबंधी बीमारी है। गा से होता है गलसुआ। तो दोस्तों गलसुआ कहां होता है? जब पैरोटिड ग्रंथि में सूजन होती है उससे क्या होता है? गलसुआ होता है। इसके बाद बात कीजिए आगे, अगर हम आगे बात करें, देखिए आप लोग यदि आगे बात करें तो महंगा है, तो है साइलेंट, क्या है साइलेंट है। फिर क्या होगा? ज से दोस्तों, ज से होगा जापानी इंसेफलाइटिस। जापानी इंसेफलाइटिस ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके दोस्तों, कैसे होगा? ये भी होगा आपके विषाणु से। उसके बाद क्या होगा? ए, तो ए से क्या होता है? एड्स। ए से क्या होगा? एड्स। और ड से क्या होगा? ड से होगा डेंगू। फिर दोस्तों ऐड कर, कौन सा ऐड? दो बूंद जिंदगी की। तो दो बूंद जिंदगी का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया पोलियो, यानी दो बूंद जिंदगी की दोस्तों क्या हो गया? या हो गया पोलियो। तो ध्यान देना आप लोग, रे से रेखा, ख से खसरा, रे से रेबीज, खा से खसरा,
छह से छोटी माता, इन से इन्फ्लुएंजा, छह से चेचक, टो से ट्रैकमा, ये जीवाणु से भी होता है, पी से पीलिया, प्रभाव का होता है कृत पर, म से मेनिनजाइटिस, ये जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, हर्पीज, ग से गलसुआ, यहां स्वलोइंग होती है, ज से जापानी इंसेफ्लाइटिस, ए से एड्स, ड से डेंगू, और दो बूंद जिंदगी मतलब पोलियो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह इसकी ट्रिक है, इसको आप लोग ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीका है, जल्दी से आप सीख जाएंगे। अगर बात करूं मैं कॉन्सेप्ट की, तो जैसे हमने क्या उठाया, हमने उठा लिया रेबीज, तो रेबीज में वाहक क्या होगा जो फैलाता है दोस्तों, वाहक हो जाएगा कुत्ता, बंदर, सियार। कुत्ता, बंदर, सियार क्या होगा वाहक, जो कि रेबीज को हमारे पास पहुंचाता है। यदि हम बात करें कारक की, तो रेबीज का कारक क्या होता है, किस विषाणु से दोस्तों होता है, तो रेबडो वायरस से होता है, यह होता है रेबडो वायरस। रेबडो विषाणु से क्या होता है, रेबीज होता है दोस्तों। इसके अलावा प्रभाव कहां होता है इसका, तो इसका प्रभाव होता है तंत्रिका तंत्र एवं शरीर पर होता है। रेबीज का प्रभाव कहां होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और हमारे शरीर पर होता है। अगर बात करें हम इसके लक्षण की, सिम्टम क्या दिखाई देते दोस्तों, तो सिम्टम पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं, तो पानी से डरना यानी कि हाइड्रोफोबिया। अगर कुत्ते ने काटा है तो कुत्ते की आवाज निकालना, क्या होता है, कुत्ते की ध्वनि निकालना, ठीक है, कुत्ते जैसी आवाज निकालना, पागलपन, चिल्लाना। अगर अगर बात की जाए उपचार की दोस्तों, तो उपचार इसका क्या होता है, इसका उपचार होता है एंटी रेबीज की वैक्सीन। तो एंटी रेबीज वैक्सीन, और खोज किसने की है, तो एंटी रेबीज का टीका और खोज किया है लुई पाश्चर ने, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ट्रिक तो कुछ और है, कॉन्सेप्ट कुछ और है। मैंने कहा 100% ट्रिक और 100% कॉन्सेप्ट, अगर ये मिलेगा आपको तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरह ट्रिक और कॉन्सेप्ट से पढ़ना दोस्तों, तो आपको 9125423936 नंबर पर एंट्री सुपर टेट लिख करके हमें व्हाट्सएप करना है, और एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूं, सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और आपको सुपर टेट की तैयारी के लिए शुभकामनाएं।